इसका मतलब एम ए की वैल्यू है 200 kg और एम बी की वैल्यू है 100 kg। उसके बाद में रिलेटिव डेंसिटी हमें पता करना है, तो रिलेटिव डेंसिटी पता करने से पहले हमें डेंसिटी पता होनी चाहिए इनके, और हर एक का जो वॉल्यूम है दोनों का, तो वो है हमारे पास में 2 m². तो अगर हम डेंसिटी निकालेंगे रो ए की, तो डेंसिटी का फॉर्मूला पता है हमको कि मास अपन वॉल्यूम होता है। इस तरह से दिल बनाए, ऊपर मास आया नीचे वॉल्यूम आया, तो मास अपॉन के वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अगर हम रो ए की वैल्यू निकालेंगे तो एम ए अपॉन के वी ए, अब हमारे पास में एम ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 200, तो यहाँ रख लेंगे हम 200 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है इसका 2 इजिकल्स टू, हमारे पास में क्या आ जाएगा रो ए, डेंसिटी निकल के आ जाएगी। इससे कैंसिल आउट कर लेंगे तो 100 kg/m³ हमारे पास में रो ए की डेंसिटी निकल के आ गई। देन सेम सिमिलरली ऐसे ही हम बी वाले की भी डेंसिटी निकालेंगे, उसके अंदर मास कितना है हमारे पास में 100, तो यहाँ पे हमारे पास में जो रो बी निकल के आएगा वो 100 / 2, तो ये 50 हमारे पास में आ गई, 50 kg/m³। उसके बाद हमें दोनों की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, और रिलेटिव डेंसिटी के अंदर हमें पूछा गया है बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी यही होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ अदर सब्सटेंस। तो इसके लिए रो बी अपॉन के रो ए निकालेंगे रिलेटिव डेंसिटी के लिए। अब रिलेटिव डेंसिटी में हमें ऊपर वाले की रो बी की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 50, तो यहाँ 50 रखेंगे, और नीचे हमारे पास में रो ए की वैल्यू कितनी आई है 100, तो 50 / 100 जीरो से जीरो कैंसिल आउट, और 5 1 5 2 0, तो इसका मतलब 1/2 डेंसिटी आ गई रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं 57, जो अच्छा क्वेश्चन है और वर्क पावर एनर्जी से दिया गया है। उसके अंदर दिया गया है मैं व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 36 km/h टू 72 km/h इफ द मासेस ऑफ द कार इज 150 kg। तो क्वेश्चन नंबर 57 वर्क पावर एनर्जी से दिया गया है, और टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन बनता है एमयू के अंदर, जो इस बार भी 2019 में भी दे रखा है। व्हाट इज द वर्क डन वर्क्स टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 36 km/h टू 72 km/h इफ द मासेस ऑफ द कार If the masses of the car is 150 kg, अब इसके लिए जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए के अंदर गिवन है 75 × 10³ J, ऑप्शन नंबर बी के अंदर हमें गिवन है 150 × 10³ J। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में हमको दिया गया है 225 × 10³ J, और ऑप्शन नंबर डी में हमको दिया गया है 300 × 10³ J। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से ये क्वेश्चन है, और वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में 1/2 mv² - u² दोनों वेलोसिटी हमें दी गई है, यहाँ पे वी भी दिया गया है और यू भी दिया गया है, यू ये रहा और वी ये है यहाँ पे, तो यू इज इक्वल टू हमारे पास में 36 km/h दे रखा है, जिसे ms² में चेंज कर लेंगे। ms² में चेंज करेंगे तो 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 × 36 होता है तो 5 × 10, तो 10 ms² हमारे पास में u की वेलोसिटी आ गई। उसके बाद में जब v की वेलोसिटी निकालेंगे तो 72 km/h है, और इसके लिए भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई कर दें तो 18 × 4 = 72 होता है, तो 5 × 4 = 20, तो ये 20 ms² स्पीड हमारे पास में आ गई। तो W के जो फॉर्मूला दिया गया है उसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, W इज इक्वल्स टू 1/2। अब M कितना है, मास है क्लास कार का 1500 kg,
और v की वैल्यू है हमारे पास में 20 का स्क्वायर, माइनस में हमारे पास में है u की वैल्यू 10 का स्क्वायर, तो इसको रख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लीकेशन 1500, और 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 आता है, माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, देन दोनों का जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे वैल्यू तो ये हमारे पास में निकल के आ जाएगा यहाँ पे, इससे कैंसिल आउट कर लें तो 750, तो 750 की मल्टीप्लाई करनी है अब हमें यहाँ पे 300 के अंदर। अब 300 के अंदर जब 750 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 तो ये बन गई, और तो ये 10^3 चला गया। उसके बाद में 75 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 के अंदर, तो 5 3 15 वन कैरी, एंड 3 7 21 और 122, तो इसका मतलब ये हो गया कि 225 मल्टीप्लीकेशन 10^3, और वर्क की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है, तो उसी वजह से हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यही मैच कर रहा है इससे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें यहाँ से, ये दो चैप्टर के अंदर क्वेश्चन लाई करता है, पहला तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर ही लाई करेगा, देन सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 57 को हटाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, उसमें दिया गया है हमको असर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथली अ मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। तो ये हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है यहाँ पे कि अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज़ कंज्यूम्ड 250 यूनिट। अगर हम यहाँ से एक यूनिट की बात करेंगे, पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 9 × 10^6 जूल, ऑप्शन नंबर बी में हमको दिया गया है 9 × 10^8 जूल, ऑप्शन नंबर सी के अंदर हमको दिया गया है 27 × 10^8 जूल, ऑप्शन नंबर डी में हमको दिया गया है 27 × 10^9 जूल। अब हम यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे, तो बेसिकली इसमें सबसे पहले जब बात किया है वो यूनिट निकाला गया है यूनिट। अब जो वन यूनिट की जो वैल्यू होती है तो 1 kWh होती है, और अगर 1 kW की बात करेंगे यहाँ पे हम, तो 1 kWh में 3.6 × 10^6 जूल होते हैं। ये इसी से निकल के आता है, आवर को मिनट में चेंज करते हैं, मिनट को सेकंड में, तो 60 × 60, और जब 1000 की मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो इतना ही आ जाता है। देन उसके बाद में हमें कितने की निकालनी, कितनी यूनिट, ये एक यूनिट के इक्वल हुआ इतने जूल, हमें 250 यूनिट का जूल में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होगा, 250 × 3.6 × 10^6 जूल, जो मल्टीप्लाई करने पे अगर हम जीरो यहाँ से हटाएंगे तो बीच का ये पॉइंट भी हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 900 × 10^6 जूल, जिसे हम लिख सकते हैं कि 9 × 10^8 जूल। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर मैच कर रहा है इसका, वो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 59, ये क्वेश्चन भी हमको इसी चैप्टर से दिया गया है, पावर वाले टॉपिक से, जिसको अब हम इसे रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें दिया गया है हमको द मोटर ऑफ अ पंप लिफ्ट्स 30 kg ऑफ वाटर पर मिनट्स टू अ हाइट ऑफ द 6 m फुल स्टॉप, द पावर ऑफ मोटर इज
लिफ्ट्स 30 kg ऑफ वाटर पर मिनट टू अ हाइट ऑफ 6 meter. The power of motor is. So इसमें G की वैल्यू हमको दिया गया है यहाँ पे 10 m/s² लेना है. अब इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है हमको ये 180 watt, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है हमको यहाँ पे 120 watt, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हमको यहाँ पे 30 watt, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमको यहाँ पे 90 watt. तो उसके लिए अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें ये मास दिया गया है 30 kg, तो एम की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 30 kg. उसके बाद पर मिनट की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 मिनट है, और तो टाइम के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसका मतलब 60 सेकंड दिए गए हैं. उसके बाद यहाँ पे हाइट भी दिया गया है, और हाइट 6 मीटर है, तो एच की वैल्यू भी 6 मीटर दिया गया है, और जी की वैल्यू हमको लेनी है यहाँ पे 10, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है. तो निकालना है हमको यहाँ पे पावर, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन के टाइम. अब एनर्जी जो है वो एम जी एच, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर चढ़ा रहा है वो, तो इसका मतलब एम जी एच के लिए एम की वैल्यू 30, जी की वैल्यू 10, उसके बाद में टाइम की जो वैल्यू है वो 60 सेकेंड, और सॉरी एच की जो वैल्यू है हाइट वो 6 मीटर, उसके बाद में नीचे टाइम आता है तो टाइम की वैल्यू 60 सेकेंड. ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी इसकी, और 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, तो ये हमारे पास में निकल के आया 30 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर मैच कर रहा है. इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में करेक्ट होगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,